नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल हसनपुर के मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा व हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में 1 वर्ष से 5 वर्ष तक तथा 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों की मेडिकल किट के निःशुल्क वितरण का शुभारंभ किया तथा वृक्षारोपण किया गया। भारतीय जनता पार्टी मंडल हसनपुर के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने पहुंचकर वृक्षारोपण किया तथा कहा कि तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोरोना वायरस को मात देने के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। संस्था नारायण जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी संस्थापक सचिव डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति ने कोरोना की दूसरी लहर की समाप्ति और भविष्य में तीसरी लहर का कहर ना देखने को मिले, इसके लिए मोहल्ला अलीपुर भूड में संस्था कार्यालय पर टीबी जागरूकता बैठक का आयोजन किया। उपस्थित सज्जनों को टीबी एक घातक बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, लेकिन सबसे घातक और कष्टकारी फेफड़ों वाली टीबी होती है जो व्यक्ति को दिन प्रतिदिन कमजोर करती चली जाती है। इसलिए 2 हफ्ते की खांसी होते ही हमें अपने बलगम का टेस्ट सीने का एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए। अमरोहा के नौगावा सादात के मोहल्ला अली नगर में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रदेश प्रभारी के कार्यालय पर पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज वाल्मीकि का स्वागत हुआ। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ के सदस्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज वाल्मीकि का काफिला जब नौगावा सादात कस्बे के भाजपा नेता मोहम्मद अली के आवास पर पहुंचा तो उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ नौगावा सादात नगर पंचायत के नामित सभासद वीरेंद्र सिंह सैनी भी मौजूद रहे। भाजपा नेता मोहम्मद अली ने कहा कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज कुमार ने उनके घर पर पहुंचकर उनको आश्वस्त किया है कि जो सफाई कर्मचारी नौगावा सादात नगर पंचायत में हैं, उनको उनका हक दिलाया जाएगा। मेरा जो आज नौगावा आगमन हुआ है वो नौगावा नहीं हुआ है, फीना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, जो यहाँ से समीप 10-12 किलोमीटर है। उसकी वजह है मेरी माँ ननिहाल है, मेरे सगे मामा श्री लक्ष्मण सिंह पिता लास्ट नायक श्री अशोक वाल्मीकि जो कारगिल में शहीद हो गए थे, उनका देहांत हो गया है। रात 10:30 बजे की घटना थी, तो उनका अंतिम संस्कार करके हम आ रहे थे, तो ये हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो इस निमित्त हम आपके साथ वार्ता कर रहे हैं। अच्छा, नौगावा में आप सफाई कर्मचारी के मंत्री हैं, देखिए नगर पालिका में मेरा आगमन हुआ है पिछली बार समीक्षा के नाते, तो आबादी अनुपात में या सफाई कर्मचारी नहीं है उतने जितने होने चाहिए। और मैंने एक बात जो यह देखी, यहाँ महिलाएं सफाई कर्मचारी नहीं है, ये बात थोड़ा सा मुझे, क्योंकि महिलाओं पर भी परिवार निर्भर रहता है, तो इसलिए महिला यहाँ नहीं है। उस पर मैं एडीएम और जिलाधिकारी से बात करने वाला हूँ, संपूर्ण जिले की समीक्षा में बहुत अति शीघ्र करने वाला हूँ। इस निमित्त इस विषय को लेकर के मैं शासन को भी पहले यहाँ से इसका स्पष्टीकरण ले लूँ और फिर उसके बाद मैं इस पर कार्य करूँगा। और कोई बात है तो मुझे बताइए, मेरा हर विषय पर ध्यान रहता है और ये मेरे कार्यकर्ता हैं, तो इनके सम्मान का भी ध्यान है, इसलिए मैं इनके साथ भी बैठा हूँ। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरसल के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की लाइन मैनों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए आदमपुर थाने में तहरीर दी। ग्रामीणों का कहना है कि लाइन मैन आकर लोगों का केबल काट देते हैं तथा बाद में उनसे केबल जोड़ने के लिए पैसे मांगते हैं। ये बिजली विभाग वाले गए लाइन मैन जागा और उन्होंने केबल काट लिया, 80,000 रुपए मांग रहे। किस चीज के? 80,000 रुपए किस चीज के मांग रहे? उसके कनेक्शन के ना, तुमने बिल नहीं पटाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। बिल कितना बकाया आप पे? बिल हम पर कुछ भी रहा। तो शिकायत की कहीं आपने इसकी? शिकायत हमने अभी तक थाने में तहरीर दे रहे हैं। इसमें थाने में तहरीर दे जाएगी उनके खिलाफ। अच्छा,
पैसे उगाई करके ले गया, पैसे ले गया, 2000 रुपया ले गया। फिर किस किस से लिए? 5000 से। आपसे भी लिए? क्या क्या के लिए थे पैसे? नौजवान अब जो तुम आराम से चलाओ, कुछ कुछ भी नहीं। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।